हे भगवान सुखदेव जी महाराज, जब मैं मां के गर्भ में निवास कर रहा था, मेरा जन्म होने में कुछ काल कुछ समय था, तो उसी समय संतान बीजम कुरुपांडवानाम, मेरे को गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वह ब्रह्मास्त्र आकर के गर्भ में मैं नाजुक जीव के रूप में पल रहा था, मेरे शरीर को ब्रह्मास्त्र लगा, मेरा प्राणांत हो गया। लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने कृपा करके गर्भ के अंदर आकर के मुझे जीव 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 जीवित हो जाओ जीवित हो जाओ जीवित हो जाओ, मेरे को गोद में उठाया और सिर पे अपने बरद हस्त अपने बरद कमल को रखा और उनके कमल के प्रताप से हस्त कमल के प्रताप से उनके आशीर्वाद के प्रताप से मैं जीवित हो गया। गर्भ में मैं जीवित हो गया तो उनकी कथा आप मुझे कृपा करके सुनाएं। और एक बड़ी अद्भुत सी बात है, बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ में कैसे चले गए, ये बड़ी अद्भुत कथा है, ये मुझे सुनने की बड़ी इच्छा है, आप ये कथा मुझे सुनाइए। और एक अचंभे की बात है, बलराम और श्री कृष्ण दोनों नंदनंदन श्याम सुंदर और बलराम जी महाराज दोनों नंद बाबा के पुत्र कैसे बन गए, ये कथा बड़ी अद्भुत कथा है, आप कृपा करके ये भी मुझे सुनाइए। पिता वसुदेव जी महाराज के यहां से नंद बाबा के यहां कैसे चले गए, ये कथा आप मुझे सुनाइए। कस्मान मुकुंदो भगवान, यानी मुकुंद भगवान श्री कृष्ण अपने जेल में जन्म लेकर के, कैद में जन्म लेकर के, अपने पिता वसुदेव जी को छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ कैसे चले गए, ये कथा मुझे कृपा करके सुनाइए, बड़ी सुनने की मेरी उत्कट इच्छा है। कति बरसाणी वृष्णी भी, और भगवान कृष्ण मनुष्य का अवतार लेकर के कितने साल तक इस धरती में रहे, कितने समय तक इस धरती में श्री कृष्ण रहे, वह कथा मुझे सुनाइए। बहुत बड़ी मेरी अभिलाषा है, ये मुझे श्रवण करने का मन है। और एक प्रश्न मेरे मन में और है, कितने दिन तक भगवान, कितने साल पर्यंत श्री कृष्ण नंदनंदन श्याम सुंदर ब्रज वृंदावन में रहे, कितने समय पर्यंत मथुरा में रहे, और मथुरा के बाद श्री कृष्ण ने रातों रात द्वारिका का निर्माण करके अपने पूरे मथुरा वासी को कैसे द्वारिका में पहुंचा दिया, ये कथा मुझे सुनाइए, ये भी सुनने की मेरी उत्कट अभिलाषा है। और हे भगवान, आपने जो मुझे प्रश्न पूछा, उठ जाओ, भूख लगी है कुछ भोजन कर लो, प्यास लग गई है कुछ जल सेवन कर लो, दैहिक क्रिया से निवृत्त होकर के पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आ जाओ, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। नई साती दुसहाक्षुन माम त्यक्तो दम पिबादते, भूख और प्यास मुझे सताती नहीं है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है और नहीं मुझे प्यास सताती है। जिस प्यास के कारण, जिस प्यास लगने के कारण मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, सम्यक ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाला और अभी दुर्लभ अवसर मेरे सामने आया है कि आपके पवित्र मुखारविंद से, चंद्रमा जैसे मुखारविंद से अमृतमय वाणी निस्त्रित हो रही है, जिस परम पवित्र वाणी को सुन करके नैसाती दुसहाक्षुन माम, न मुझे भूख है न मुझे प्यास है, मेरी सारी प्यास भी बुझ गई और मुझे भूख भी लगती नहीं है, क्योंकि आप जो सुना रहे हैं उससे मुझे आत्म तृप्ति होती है। देखिए एक बात समझने का क्या है, अगर आत्मा को तृप्ति मिल जाए तो आत्मा के सहारे चलने वाला ये हमारा देह, ये हमारा शरीर,
अगर आत्मा तृप्त है तो शरीर को भूख प्यास का कोई महत्व नहीं रखता है। प्राचीन समय में ऋषि लोग आत्म तत्व में इतने तल्लीन हो जाते थे, शरीर सुख करके उनका अस्थि पिंजर बन जाता था, लेकिन आत्म तृप्त होने से देह को भूख और प्यास की अनुभूति होती ही नहीं थी। सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक लोग तपस्या करके साधना के द्वारा आत्म तृप्ति करके देह को अपने आप ही श्रांत और क्लांत से रहित बना लेते थे। तो ऐसे देह में जो भूख और प्यास है इसकी मुझे अनुभूति नहीं हो रही है, मैं तो अत्यंत शांत मुद्रा में आपकी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहा हूं। और एक प्रार्थना आपके साथ मेरी है कि श्री कृष्ण कथा जितना हो सके शीघ्र से शीघ्र आप मुझे सुनाने की कृपा करें, क्योंकि कृष्ण कथा में ही मुझे आनंद की अनुभूति होगी और आप कृपा करके मुझे कृष्ण कथा सुनाएं। तो भगवान सुखदेव जी महाराज ने अपने परमात्मा अपने परब्रह्म श्री कृष्ण को याद किया, उनको याद करने के बाद अपनी बुद्धि को व्यवस्थित किया है, अपनी बुद्धि को स्थिर किया है, श्री कृष्ण के प्रति अपनी बुद्धि को स्थिर किया भगवान सुखदेव जी महाराज ने। क्योंकि अभी तक राजाओं की कथा सुनाई, बड़े बड़े महाराजाओं की कथा सुनाई और वंशावली की बातें भी सुनाई, अब सुखदेव जी महाराज ने अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर किया, क्योंकि कृष्ण कथा सुनानी है। कृष्ण कथा सुनने के लिए बुद्धि भी स्थिर होना चाहिए, मन भी स्थिर होना चाहिए, विचार भी स्थिर होना चाहिए और कृष्ण कथा में एकाग्र हो जाएं तो न शरीर का भूख न प्यास न कोई परेशानी न कोई देह क्रिया न कोई देह में कोई पीड़ा, सब चीजों से इंसान निवृत्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहना प्रारंभ किया, देखो हे राजन हे परीक्षित, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो। एक समय की बात है, पृथ्वी में बड़े बड़े पापी राजा हो गए, धरती त्राही त्राही करने लगी, धरती मां परेशान हो गई, यह वसुंधरा यह वसुधा अत्यंत पीड़ित हो गई और इस वसुधा ने इस पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया। गो का मतलब होता है इंद्रियां, अपने सारे इंद्रियों को परमात्मा के साथ लगाने वाली एकमात्र प्राणी है गौ। दुनिया में गौ की सेवा होनी चाहिए, धरती जब जब पीड़ित होती है तो गौ का तन धारण करती है। पृथ्वी माता ने गौ का विग्रह धारण किया, गौ का शरीर धारण किया, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना, गौ का रूप धारण करके अश्रुमुखी, आंखों से अश्रुधारा गौ की बह रही है और खिन्ना अत्यंत उदास है, अत्यंत दुखी और पीड़िता होकर के यह धरती माता गौ का रूप लेकर के पहुंच गई भगवान इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव को जाकर कहने लगी, हे भगवान इंद्रदेव कृपा करिए मेरे ऊपर, बड़े पापी पापी राजा धरती में हो गए हैं और इनके पाप से मैं पीड़ित हो गई हूं, मेरे ऊपर बहुत पापियों का भार चढ़ गया है, इन पापियों के भार से मुझे मुक्त कराओ। तो भगवान इंद्र कहने लगे, हे गौ माता हे पृथ्वी माता, जगत में कोई बहुत बड़ी शक्ति, जगत में कोई बहुत बड़ा संकट जब मंडराता है तो मेरी शक्ति काम नहीं करती है, इसलिए मुझे एक काम करना होगा, आपको लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। तो इंद्र और सारे देवी देवता एकत्रित होकर के गाय माता को अपने साथ लेकर के चले गए ब्रह्मा जी महाराज के पास। ब्रह्मा जी महाराज के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान मैं बहुत पीड़ित हो गई हूं, बहुत दुखी हो गई हूं, तो कृपा करके मेरी पीड़ा को शांत करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या परेशानी है हे पृथ्वी माता, आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्या कष्ट है,
आप कृपा करके मुझे बताएं। तो उस समय उन्होंने कहा, पृथ्वी का भार बढ़ गया है। देखिए, जब जब पृथ्वी में पापी लोग एकत्रित होते हैं, पृथ्वी भार महसूस करती है। पापी का मतलब क्या है? इंसान मनुष्य पाप सोचता है, पाप का ही चिंतन करता है। हमारा शरीर का वजन कितना होगा? 60, 70, 80, 90, 100 जो भी है। कोई कोई 120-125 के भी हो जाते हैं, तो वजन घटाने की कोशिश करनी पड़ती है ना। वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वजन घटाने का प्रयास होता है। 100 होगा, कोई 125 होगा, कोई कोई 150 भी हो जाएंगे। ये तो अपना अपना देह है, लेकिन देह का वजन पृथ्वी को भार नहीं लगता। पृथ्वी को क्या भार लगता है? अगर आपने मस्तिष्क में पाप सोचा, अगर आपके मस्तिष्क में पाप आया, पाप का चिंतन किया, तो आपके शरीर का भार पृथ्वी को होने लगता है। अगर आपने पाप कर्म करना प्रारंभ किया, तो उस पाप कर्म के अनुगत पृथ्वी को भार होना प्रारंभ होता है। इसलिए शरीर का भार पृथ्वी को महसूस नहीं होता। इस शरीर से अगर हम पाप कर्म करें, तो पृथ्वी को भार महसूस होता है। एक दो बातें बड़ी सोचने और समझने की है। शरीर तो वही का वही है, लेकिन पाप का चिंतन करने से हमारे शरीर का पाप का भार बढ़ जाता है। इसलिए न पाप सोचें, न पाप के विषय में चिंतन करें, न पाप कर्म होता हुआ देखें। कहीं पाप कर्म हो रहा है तो हम उसको देखें भी नहीं, मस्तिष्क में कोई पाप हम सोचें भी नहीं, पाप के विषय में हम विचार भी ना करें। हर तरह से पाप से रहित हमारा देह होना चाहिए। देखिए, इसलिए कहा जाता है हम हाथ से पाप ना करें। कभी हाथ से भी पाप कर्म हमारे हो जाते हैं, लेकिन हाथ से कभी पाप कर्म ना करें। कभी पैरों से हम पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो पैर से भी हम पाप कर्म में प्रवृत्त न हो जाएं। कभी नेत्रों से पाप कर्म हमसे हो जाता है, हमारी आंखें हैं ना, कभी आंखें पाप को देखती है, पाप कर्म को बार बार आंखें चिंतन कर, चिंतन के द्वारा फिर अंदर प्रवेश हो जाता है। देखिए, शास्त्रों के अगर निहित सिद्धांत को देखा जाए, तो आंख सबसे बुरे हैं। आंखों से हमने किसी को देखा, तो पाप कर्म हमारे अंदर प्रवेश हो गया। इसलिए नेत्र को सदा सजग रखना चाहिए, नेत्र को सदा सजग रखें। अगर नेत्रों से कहीं पाप कर्म होता हुआ दिख जाए, तो झट से अपने आंखों को फेर लेवे। नजरों से कहीं गलत चीज दिख जाए, तो देखने की कोशिश ना करें। दिख रहा है तो उससे हटने का प्रयास करें, नहीं मुझे ये दृश्य देखना ही नहीं चाहिए, ये घटना तो मुझे देखना ही नहीं चाहिए। और कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम सुनने का प्रयास करते हैं, हाँ मुझे भी बताना क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, तो हम पूछ पूछ करके कानों से सुनते हैं। ये कर्म भी नहीं होना चाहिए। पाप का प्रवेश आंख से भी होता है, कान से भी होता है, नासिका से भी पाप प्रवेश करता है, पैरों से भी पाप चढ़ता है, हाथों से भी पाप प्रवेश करता है। पापों को प्रवेश करने के लिए अपन को सारे द्वार बंद कर देने हैं। तो सारे द्वार कैसे बंद होंगे? पाप को मिटाने के लिए सब द्वार कैसे बंद करें? तो अपनी आंखों में परमात्मा का वास कराएं, तो पाप नजर नहीं आएगा। अपने कानों में परमात्मा का संकीर्तन गुंजायमान करें, तो कानों से पाप का प्रवेश नहीं होगा। अपने पैरों से भगवान के मंदिर में जाएं, मंदिर की परिक्रमा करें, तीर्थ यात्रा करें, परिक्रमा करने का प्रयास करें, तीर्थों में जाएं, तीर्थों का दर्शन करें, पैरों के माध्यम से तीर्थ की यात्रा करें, तो पैरों से भी पाप का प्रवेश नहीं होगा। हाथों से भी सेवा करें, ये जो हाथ परमात्मा ने दिए हैं, इन हाथों से जितना बन सके सेवा करने का प्रयास करें। तो प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा के साथ जोड़ दिया, तो हमारे सब इंद्रिय पाप से रहित हो जाएंगे और हमारा देह पाप रहित, पाप शून्य बन जाएगा। इसलिए पाप बहुत बढ़ गया है धरती पे।
इस पाप के भार के कारण मैं अत्यंत पीड़ित हो रही हूं, अत्यंत दुखित हो रही हूं, इसलिए हे ब्रह्मा जी महाराज कृपा करके पाप के भार से मुझे सदा सदा के लिए मुक्त करिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हे देवी, हे पृथ्वी माता, आपकी विनती मैं ले जा करके परमात्मा से करूंगा। और उसी समय ब्रह्मा जी महाराज जगाम सत्रि नयनम स्थिरम क्षीर पयोनिदेह। देवी देवता और ब्रह्मा जी स्वयं और गाय में गाय के रूप में पृथ्वी माता सब को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज चले गए क्षीर सागर में। क्षीर सागर में जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ किया। हे भगवान, पृथ्वी का भार बढ़ गया है, आपको अवतार लेना चाहिए, आपको धरती में आना चाहिए, आपका आगमन होना चाहिए। जब बारंबार परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू किया तो उसी समय आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को सूचना मिली। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम। वृष कहते हैं धर्म को, धर्म के जो स्वरूप परमात्मा है उनके पास आकर के जब प्रार्थना की गई तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहना प्रारंभ किया हे ब्रह्मा जी महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अति शीघ्र मैं धरती पे आने वाला हूं, अति शीघ्र मैं जगत पे आने वाला हूं, लेकिन मैं धरती पे आकर के ऐसी लीला करूंगा जो पापी लोग हैं पापी का संहार करूंगा। क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यमुना तट पर नंद का लाला, जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले सखी वृंदों का, गांधर वंशी मधुर बजाए रे। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।